से बहुत ज्यादा लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, अकेले हरियाणा से 11 लोग टॉप 100 में और ओवरऑल 51 लोग हैं। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ से एक नम्रता जैन मैम है जिनकी गर्ल्स रैंक है, मेरी 13 है, उसके बाद मेरे ख्याल से 400 के आसपास दो तीन लोग आ रहे हैं। तो हमको कोशिश करनी है कि मेरी आप सब मेरे यहाँ आने का औचित्य ये है कि आप सब लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित कर सकूँ ताकि आप लोग तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग छत्तीसगढ़ से ज्वाइन करें। तो अब मैं इस कड़ी की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज में जाने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सेलेक्ट होकर के आप IAS बनते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाते हैं। जो दूसरा तरीका है वो है स्टेट सिविल सर्विसेज का, जिसमें आप सिलेक्ट होते हैं तो आप डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। मैंने संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी की है तो मैं उस तैयारी को उस एग्जाम के बारे में आपको बताऊंगा। जो ये एग्जाम होता है ये हर साल मार्च या फरवरी में इसका नोटिफिकेशन निकलता है, उस समय आपको इसका फॉर्म भरना होता है। आप उसमें फॉर्म भरते हैं। जून में इसका प्रीलिम्स होता है, इसमें तीन स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स वाले स्टेज में अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस लिखते हैं, मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू जब क्वालिफाई होता है, फाइनल रैंक इसमें नाम आता है, तब आपको कोई सर्विस मिलती है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विसेज परीक्षा में सिर्फ भारतीय प्रशासनिक सेवा में लोग जाते हैं, इसमें 24 अलग अलग तरह के सर्विसेज में लोग जाते हैं। जैसे मुझे लास्ट ईयर रेलवे सुरक्षा बल मिला था, उसी तरह इंडियन पुलिस सर्विस जो भारतीय पुलिस सर्विस है उसमें आप जा सकते हैं, भारतीय विदेश की जो सर्विस है इंडियन फॉरेन सर्विस उसमें आप जा सकते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में जाकर आप इनकम टैक्स कमिश्नर बन सकते हैं। तो इस तरह की 24 अलग अलग सर्विसेज हैं जहां आप अपनी सेवा दे सकते हैं यदि आप इस एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं। अब ये तो इस एग्जाम का प्रोसेस हुआ जिसमें तीन प्रोसेस हैं। अब मैं आपको इंडिविजुअली एक एग्जाम जैसे फिल्म्स है तो उसकी तैयारी कैसे करनी है, मेंस की तैयारी कैसे करनी है और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है ये मैं आपको बताऊंगा। जो आपका फिल्म्स होता है उसमें दो पेपर होते हैं। पहला होता है सामान्य ज्ञान का। तो सामान्य ज्ञान की जो परीक्षा होती है ये 2 घंटे की होती है और 2 घंटे में आपसे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 100 प्रश्न MCQs जिसे बोला जाता है, मल्टीपल चॉइस, जिसमें से एक पे टिक करना होता है, वैसे सवाल होते हैं। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है तो आपको इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी पड़ती है, क्योंकि जो सबसे बड़ी छटनी की जाती है विद्यार्थियों की, लगभग 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से कुछ लोग एग्जाम देते हैं, उसमें से सिर्फ 10 से 15 हज़ार को सिलेक्ट करके मेन्स लिखने की अनुमति दी जाती है। तो ये प्रीलिम्स की जो हर्डल है इसको कैसे तैयार करें। प्रीलिम्स में 2 एग्जाम होते हैं, दूसरा वाला एटीट्यूड का होता है, बट उस एग्जाम में सिर्फ आपको 200 में से 67 मार्क्स लाने होते हैं, क्योंकि वो उसके मार्क्स भी काउंट नहीं होते, उसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। तो जो आपका मेन कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो रहता है सामान्य ज्ञान की परीक्षा में 2 घंटे में, उसी से आपका सिलेक्शन होता है। तो उसकी तैयारी में उसमें बहुत कुछ पूछा जाता है। सामान्य ज्ञान के नाम पे आपको विज्ञान पूछा जाएगा, इतिहास पूछा जाएगा, भूगोल पूछा जाएगा, भारत का संविधान पूछा जाएगा, भारत की संस्कृति के बारे में जो भी है वो पूछा जाएगा, और अर्थव्यवस्था से जुड़ी जो करंट अफेयर्स की चीज़ें हो रही हैं वो पूछी जाएगी। और इसके अलावा करंट अफेयर्स की जो हम न्यूज़ सुनते रहते हैं कि आज ये बिल पास हुआ, आज ये हुआ, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं उसमें। तो इसकी तैयारी के लिए जो हम फोकस करते हैं वो करते हैं NCERT की बुक्स पे। NCERT सरकार द्वारा पब्लिश बुक होती है, तो सरकार जब क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो उनकी कोशिश रहती है कि वो किसी प्राइवेट पब्लिशर की जगह NCERT पे ही कंसंट्रेट करें। ये किताबें आपको फ्री NCERT के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपलोडेड है, आप चाहें तो PDF अपने डाउनलोड करके मोबाइल में, टैब में, कंप्यूटर में पढ़ सकते हैं, चाहे उनका प्रिंट आउट ले लीजिए। बट इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो नई NCERT आ रही हैं उसमें उसके सिवाय हम पुरानी NCERT भी पढ़ते हैं, क्योंकि जो इतिहास है उसमें कुछ चीज़ें उस सिलेबस चेंज हो जाता है, बट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम पुरानी NCERT भी पढ़ते हैं। इन्हीं किताबों को हम अनगिनत
बार पढ़ते हैं, मैंने शायद कुछ किताबें शायद 30 से 40 बार पढ़ी होंगी, उन्हें याद रखने के लिए तो एक दो बार पढ़ना काफ़ी नहीं होता। तो ये तो हो गया आपका बैलेंस का, इसमें आप एग्ज़ाम कैसे देना है, एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो एग्ज़ाम में हमेशा आप अपने नॉलेज पे बेस नहीं कर सकते अटेम्प्ट, आपको थोड़ा सा एनालिटिकल होना पड़ेगा, कॉमन सेंस भी यूज़ करना होता है। मुझे जहाँ तक एक सवाल याद आ रहा है अपने फिल्म से, एक सवाल था कि इनमें से कौन सा जो पानी का स्रोत है वो एक कैनाल है, आर्टिफिशियल कैनाल है, ये पूछा गया था। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उसने लिखी हुई थी, एक उसमें लिखा था कुड़े कनाल, कनाल उसके नाम में एकदम मैंने वो लिख कर दिया, सही हो गया। तो इस तरह से आपको अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करना होता है। और इसके अलावा जो सेकेंड पेपर है आपका जो एप्टीट्यूड है, उसमें भी कुछ लोगों को दिक्कतें आती हैं, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं उनको कुछ दिक्कतें आती हैं। उसमें 80 सवाल होते हैं, 2 घंटे में हल करने होते हैं, उसमें लॉजिकल रीजनिंग थोड़े बहुत जो 10वीं तक की गणित होता है कि अगर कोई इतनी स्पीड से जा रहा है वहाँ तक इतनी देर में पहुँचेगा, इस तरह के सवाल होते हैं। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस कर लें, आप हर दिन भी 1 घंटे की प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसलिए इतने मायने रहेंगे कि 67 जितना जल्दी उसके लिए आपके 150 के आसपास पास आ जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन अपना नहीं रखना है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है।